ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हम लोग सुबह उठ के सबसे पहले जिम जाने वाले हैं एंड देन घर पे आने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू डू अ लैट स्प्रेड। आई फील लाइक लैट स्प्रेड इज़ वन ऑफ माई बेस्ट पोजेज। इवन दो मैं बहुत कम समय से ट्रेन कर रहा हूँ, मेरे लैट्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड है एंड मैंने अपनी पोजिंग को ओवर टाइम काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किया है। तो आज हम आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपने लैट स्प्रेड को थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओ। सो या दैट्स प्रीटी मच द प्लान। पढ़ाई तो अपनी कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, तो हम जिम में मिलेंगे। एंड अगर आपको लैट स्प्रेड वाला पार्ट सिर्फ देखना है, देन जिम के बाद वाली जो क्लिप्स होंगी उसको जाके देख लो। एंड या होप यू एंजॉय। ऑल राइट गाइज, वेलकम टू बैक डे। आज हम लोग स्टार्ट ऑफ करने वाले वेटेड पुलअप्स के साथ। पिछले बार मेरे को 12.5 केजीज के साथ 3.5 रेप्स आए थे, तो आज हम लोग ट्राई करेंगे वो बैरियर ब्रेक करने का। एंड मैं अपने वेटेड पुलअप्स में फुल स्ट्रेच एंड फुल कॉन्ट्रैक्शन पे थोड़ा थोड़ा होल्ड करता हूँ, बिकॉज अगर वेटेड पुलअप्स पे थोड़ा सा हाफ रेप्स टाइप किया ना, तो कभी कभी एक रेप ज़्यादा आ सकता है, कभी एक कम आ सकता है, जिसकी वजह से प्रोग्रेस ट्रैक करने में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी वेटेड पुलअप्स फुल स्ट्रेच फुल पीक कॉन्ट्रैक्शन तक मस्त ऐसे अच्छे से करो, टू बी फन। बट या बेसिक प्लान ऑफ एक्शन, वेटेड पुलअप्स, लैट पुल डाउन्स, दो टाइप की रोज एंड रियर डेल्ट्स एंड पुल ओवर्स। तो मैं जितने सेट जितने रेप्स के लिए करता जाऊँगा हर एक्सरसाइज पे आपको बताता जाऊँगा। सो यार लेट्स गो। ओके गाइज, ये वीडियो एडिट करने से पहले मैं कुछ पुरानी क्लिप्स भी डिलीट कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली आज के बैक डे की भी एक पूरी रोइंग की क्लिप डिलीट हो गई एंड रियर डेल्ट्स वाली क्लिप डिलीट हो गई, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। इसलिए आज मैं एक वॉइस ओवर फॉर्म में आपको बताऊंगा कि हमने बैक डे में किया क्या क्या। तो सबसे पहले जैसा कि आपने देखा, हमने वेटेड पुलअप्स के साथ स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने दो सेट ये वाली लैट पुल डाउन के मशीन पे किए, जहाँ पे आज हमने पहली बार 96 केजीज़ के साथ अपना वर्किंग सेट लिया था। वी गॉट 6 रेप्स एंड देन नेवजाद ने हमको 2-3 रेप्स में हेल्प करी। उसके बाद मैंने जो बाजू वाली लैट पुल डाउन मशीन है, वहाँ पे क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन के दो सेट किए। Let me get the negative by myself. Leave it completely. ओके, तो एज फार एज रोइंग गोज, हमने 4 सेट किए थे टोटल रोज पे। उसमें से 2 सेट चेस्ट सपोर्टेड मशीन रो पे थे, जो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गए, एंड 2 सेट सीटेड केबल रो पे थे। रिसेंटली मुझे सीटेड केबल रो पे पता है बहुत अच्छा माइंड मसल कनेक्शन फील होने लग गया अपने लैट्स के साथ में। सो आई हैव बीन डूइंग दैम अलॉट, बट अनफॉर्चुनेटली इवॉल्व का केबल स्टेशन थोड़ा सा हल्का है, जिसकी वजह से हमको फुल स्टैक में भी 10+ रेप्स निकालने पड़ते हैं। बट सून आई थिंक मेरे पास उसका भी एक क्या बोलते हैं सोल्यूशन हो जाएगा। एनीवेज, इसके बाद हमने 4 सेट किए थे रियर डेल्ट फ्लाई पे, उसके भी वीडियो हमारे पास नहीं है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट यार रिसेंटली मैंने बताया था मैंने रियर डेल्ट पे अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाया है, क्योंकि मुझे उनको एक्टिवली ग्रो करना है। एंड आई कैन डेफिनेटली टेल यू गाइज, थोड़ा सा एक सेट से वॉल्यूम बढ़ाने से भी मेरे को थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है, और इधर दैट्स प्लेसिबो। बट एनीवेज, क्लास ब्रो, ब्रो डेड। क्लास ऑल राइट, लेट्स गेट टू डू अ लैट स्प्रेड। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ इम्पॉर्टेंट पोजिंग इज एंड व्हाई पोजिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक बिगिनर लिफ्टर हो मेरे जैसे, हम जो सिर्फ 1 या 2 साल से ट्रेन कर रहे हैं, एंड आपको मालूम है कि आपके पास मसल है बट उसके साथ साथ कुछ वीकनेसेस भी है, जैसे कि आई नो कि मेरे लैट्स बहुत अच्छे हैं बट क्योंकि मैं बल्क कर रहा हूँ अभी मेरा थोड़ा पेट पे फैट भी है, तो पोजिंग के थ्रू हम अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको हाईलाइट कर सकते हैं एंड जो वीकनेसेस हैं उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने वैक्यूम किया तो मेरी जो वेस्ट है वो लिटरली इतनी सी बन जाएगी, एंड उससे मेरा एक वी टेपर का जो लुक होता है वो और एनहांस होगा। लेट मी शो यू गाइस हाउ, सो लाइक दैट। बट एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द लैट स्प्रेड। स्टेप 1, एस्टैब्लिश अ गुड माइंड मसल कनेक्शन विथ योर लैट्स। ये करने के लिए सबसे आसान तरीका है, एक केबल रो करो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। एट दिस पॉइंट आपको आपके लैट्स थोड़े टेंस फील हो जाने चाहिए,
एंड नाउ हमको करना क्या है इज अपने थम्स बाहर निकालो एंड उसको ये पॉइंट पे हुक करो। अब ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट इज़ बेसिकली वेर योर रिब केज एंड्स एंड यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा फ्लैशी मास पकड़ में आएगा इफ़ यू आर एज फैट एज मी। बट या आपको वहाँ पे आपका थंब हुक करना है एंड हम वहाँ पे प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो वेस्ट है वो थोड़ी छोटी लगे एंड जो लैट स्प्रेड आउट होगा वो और ज़्यादा वाइड लगे। ठीक है, स्टेप वन एंड स्टेप टू करते हैं। केबल रो हुक। अब यहाँ से आपको आपके एल्बोज आगे लाने हैं, नॉट योर शोल्डर। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है यहाँ पे कि लोग क्या करते हैं, एल्बो आगे लाते हैं बट उसके साथ साथ शोल्डर भी आगे ले आते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल रोटेशन हो जाता है एंड यहाँ पे तुम्हारे लैट्स नहीं, तुम्हारा शोल्डर स्प्रेड हो रहा है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड एल्बोस को भी इस पॉइंट तक आगे लाना कि वो तुम्हारे बॉडी से परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, अगर तुम साइड में देखो तो तुमको ये और ये एक लाइन में दिखना चाहिए। सो नाउ लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर। देयर यू हैव इट, द ईजीएस्ट लैट स्प्रेड। पोजिंग के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखना, गोल इज टू लुक एज वाइड एंड एज बिग एज पॉसिबल वाइल हाइडिंग योर हाईलाइट्स। ठीक है, अब मैंने अपना पजामा भी थोड़ा ऊपर खींचा, नीचे खींचूंगा तो ये साइड में आ जाएगा। आई डोंट वॉन्ट दैट। ठीक है, आई वॉन्ट टू लुक गुड। तो देयर यू गो, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। ठीक है, मेक श्योर तुम्हारे एल्बोज ज़्यादा आगे ना आए, खराब लगता है। परपेंडिकुलर टू योर बॉडी एंड दैट्स परफेक्ट। लेट्स गो। Oh, that day shit. Here, sniff. Good. Spirit animal. Two types of people. नेवला के घर पे सिरिंज है। घर पे सिरिंज क्यों है? नेवला, explain this, bro. Dude, are you not natty? No. Medicine. अगर आप एक कैट एस्पिरेंट हो देन आपको डेफिनेटली रोधा करके एक चैनल के बारे में पता होगा। तो रवि प्रकाश सर ने आज एक वीडियो डाला था 5 months to CAT 24 एंड उसमें उन्होंने एक बेसिकली एक स्ट्रैटेजी एलैबोरेट करी थी कि अगले 5 महीने विच इज़ एक मिनट मिक्सी चालू हुई है रुक जाओ हाँ सो एज आई वाज सेइंग जो अगले 5 महीने हैं हमको उसको कैसे अप्रोच करना है एंड नॉट जस्ट फ्रॉम अ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम अ मेंटल एंड मतलब साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं कि कैट इज़ मोर ऑफ एन एलिमिनेशन गेम रादर देन अ सिलेक्शन गेम। बिकॉज अगर आपने अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको कौन से क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने हैं देन आपका आधा गेम तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कैट 2023 के फिगर्स देखोगे देन अगर तुमने क्वांट के सेक्शन में विच इज़ द मैथ वाला सेक्शन जिनसे बहुत लोग डरते हैं सिर्फ 4 क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं विच इज़ 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 22 क्वेश्चन उतना करके भी आपको 90% क्रॉस हो सकता है एंड इवन 90% कैन गेट यू सम बी टीयर बिजनेस स्कूल अगर आपके अकेडमिक्स अच्छे हैं तो। एंड LIDR में भी LRDI मैं सुबह से LIDR बोल रहा हूँ LRDI मतलब जो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है उसमें भी आउट ऑफ 4 सेट अगर आपने सिर्फ 2 भी करेक्ट किए दैट्स मोर देन इनफ दैट गिव्स यू 99%। तो मतलब बहुत फन चीज़ है, आप वीडियो देखो, इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग वीडियो, इट्स अ वेरी वेल मेड वीडियो। एंड उसी के साथ मैं बताता हूँ आज अभी तक मतलब दिन पूरी दिन में और अभी तक मैंने क्या क्या काम किया है। आज मेरा क्वांट एंड VARC का दिन था, अभी तक मैंने VARC टच भी नहीं किया, मैं सुबह से सिर्फ क्वांट ही करता जा रहा हूँ बिकॉज आई रियलाइज कि क्वांट में थोड़ी ज़रूरत है मेरे को प्रैक्टिस की। एंड आज मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मैं इतने दिन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बहुत स्ट्रगल कर रहा था बट आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए मोस्ट ऑफ देम आई कुड अटेम्प्ट एंड देवर अच्छे खासे डिफिकल्टी के तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। उसके अलावा मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी थोड़े से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आई थिंक मेरा टोटल डेली का टैली 30 क्वेश्चन पे पहुंच चुका है, आई एम एमिंग टू हिट 50 टुडे। उसके बाद मैं VARC पढ़ने बैठूंगा। तो VARC के लिए क्या करेंगे वो जब मैं पढ़ने बैठूंगा तभी आपको बताऊंगा। लेट्स गो।